के आखिरी दिन कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और देश के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केटीएस तुलसी को उम्मीदवार बनाया है। रायपुर में नामांकन दाखिल करने के बाद केटीएस तुलसी से सुराज एक्सप्रेस ने खास बातचीत की। हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेका मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, जो छुट्टी दी गई है 31 मार्च तक दी गई है, इसके अलावा क्या कुछ एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए? नहीं, देखिए, जो कोरोना वायरस जो आया है वो भीड़ भाड़ के जगह जगह से अवॉइड करना है उसमें, तो इसी दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सभी स्कूलों को, जितने शैक्षणिक संस्थान हैं, सभी को 21 तारीख तक बंद करने का निर्देश दिया है और उसके आदेश भी जारी हो गए हैं। चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सभी को 21 तारीख तक बंद उसमें रखा जाएगा। लेकिन जो परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं के, वो चलते रहेंगे, उनको बंद नहीं किया जाएगा। परीक्षा के समय में किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी? तो परीक्षा में तो जो बच्चे कम बच्चे उसमें रहते हैं, अब वो तो अलग अलग डेट में होते हैं, किसी 10वीं का होगा, किसी 12वीं का होगा, तो उसमें बच्चों की संख्या कम रहती है उसमें, और इतार के तौर पर वहाँ भी व्यवस्था की जाएगी वहाँ पर, ताकि इस प्रकार की व्यवस्था जो वायरस है वो न फैल पाए। तो ये थी हमारी शिक्षा मंत्री से खास बातचीत, जिन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ना फैले इसके लिए बच्चों को छुट्टी को लेकर के खासा इंतजाम, जो अवकाश है वो घोषित किए गए हैं। साथ ही जो स्कूल है जिनकी परीक्षाएं हो रही है वो चालू रहेगी और खास तौर पर वहाँ पे जो व्यवस्था है वो अच्छी रहेगी। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान लगातार जारी।